रवि जी बताइए आप कैसे किया था, आप ही शुरू करें, पार्ट वन कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, आपको ए निकालना है। आपको ये पता है कि ए की बहन ये है, मेरी बात नहीं समझ आई? जी 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 ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर ये सारा का सारा जो है ये 90 होगा, बिकॉज डीबी जो है वो डाय, डीबी डाय, तो ये सारा 90 है। अगर ये सारा 90 है तो ये वाला जो एंगल है ये 20 है। भव्या जी ठीक कह रहा हूँ? यहाँ तक शांति है? नहीं तुझे कुछ समझ आ रहा है या? सर आई एम इन क्वारंटी पार्टी मोड। जी भव्या जी बोलिए। तो वो 90 डिग्री होगा, तो 90 प्लस 35 इन ट्राइंगल जी डीएबी जी जी गिव्स जी जी तो मिस भव्या कह रही है कि आप सर ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल डीएबी। तो ट्राइंगल डीएबी में ये तो आपने 90 कर दिया, ये 35 है, 90 प्लस 35 125, कितने बचे? 55। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? और इसकी जो शिस्टर ये भी हो जाएगी 55। और विनीत तुझे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ी नज़रें आगे पीछे करनी पड़ेंगी बच्चे, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे सर ये तो सर्कल्स हैं और आप ट्राइंगल्स ले रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा तो पैरेलल लाइंस भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो पीछे अगर हाँ वो नीचे आ जाएगी पैरेलल लाइन, अगर पीछे सब घास का है तो भाई अब 10th में कोई ऐसा मैं हाजमोला तो दे नहीं दूंगा या च्यवनप्राश तो दे नहीं दूंगा कि उसके बाद फोड़ दोगे, वो सब पुराने पाप आएंगे, वो आपकी इच्छा। समझ आया? भव्या जी बोलिए सेकंड पार्ट, बी कैसा निकाला जाए? ट्राइंगल ए सी बी जी जी आप ऐसा कीजिए ना। मैंने वो हाँ किया बोल। शाहरुख वाली ली थी, हाँ तूने शाहरुख वाली ली एक्सपीरियंस होगी, हाँ बिल्कुल ली होगी, मैं वो वैसे ही हाँ स्टार्ट कर हाँ लिया। बस शाहरुख की लगती कहाँ पर है? 120। अबे 120 मतलब शाहरुख की, या तो सेंटर पे काम करता है, शाहरुख वाली थ्योरम या तो सेंटर पे काम करती है या वो काम करती है सर्कमफ्रेंस पे। बाजू में नहीं? अब तो शाहरुख को बीच में भी घुमा रहा है, ये वाले पॉइंट्स जो बीच में सर्कल के बीच में पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी घुमा रहा है, तो शाहरुख की गलती थोड़ी है वहाँ, वो थोड़ी थ्योरम थोड़ी लगेगी कि उसको बोलेगा सर आप इतना करते हो प्लीज़ ये भी कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा एडजस्ट थोड़ा एडजस्ट कर लो सर, थोड़ा तो देखो। भव्या जी आपको बात समझ आ रही है हम क्या बात कर रहे हैं? चलो सर आता हूँ। जी 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 बोल से भी सुने क्या किया जी? ये 60 होगा। कौन सा? ये 60 होगा। तो फिर ये 95 होगा। कौन सा? ए सी बी 95। ये 95 होगा। हाँ तो फिर ये भी 95। ठीक है भव्या जी को डाउट? देखिए कैसे भी कर सकते हैं, ये 120 है, ये 60 है, ठीक है ना, ये 120 है, ये 60 है, फिर क्या हुआ? इस साइड बेटर इस साइड बेटर, चलिए ठीक है जैसे आप कह रहे हैं वो ले लेते हैं, ये लीजिए, ये आपने बोला यहाँ ये 60 है, ये 60 होगा तो ये 95 होगा, तो ये 95 होगा और सेगमेंट ए बी है, सॉरी कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी जो है वो जो एंगल यहाँ बना रही है वही एंगल यहाँ पर बनाएगी, प्लस माइनस में देख लो भाई इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 85 हो गया ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक, 95। मिस भव्या कोई डाउट? ओके भव्या जी आपने ये क्वेश्चन किया, थर्ड पार्ट बताइए। सिंस एसी
जी तो ए वी भी 100 होगा जी बिल्कुल ठीक कह रहा है एंड सिंस इट्स एन आइसोसेलेस जी 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 प्लस 2x ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 100 हो गया 80 बचा है शाबाश तो 40 इसको मिलेगा शाबाश और 40 इसको मिलेगा नाइस वेरी नाइस भव्या आपने फोर्थ किया जी बताइए जी तो ए बी भी 90 डिग्री होगा जी 90 डिग्री प्लस 45 जी उसका तो बाद में 45 होगा जी पी ए बी व्हिच इज द सेम एज डी जी वो भी 45 जी ये 45 होगा और क्योंकि ये कॉर्ड है पी बी कॉर्ड दिया है इस पे दो एंगल बनेंगे एक ये बनेगा और एक ये बनेगा तो ये भी जो है ये कितना होगा 45 भाई सभी तूने यही किया कोई डाउट नाइस है नाइस तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा